नमस्ते, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे यूजर के साथ बिजनेस वन। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का स्क्रीन ओपन होकर आएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में इनिशियल सेटिंग में, इनिशियल सेटिंग के बाद जब जनरल में जाएंगे तो यूजर्स ऑप्शन आएंगे, आप इस पर क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन ओपन होकर आएगी। अब इसमें आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है यूज़र कोड। तो हम इसमें यूज़र कोड बना रहे हैं FIN001। अब यूज़र का नाम डालेंगे, जो भी हमें सही लगे वो नाम हमें इसमें डाल सकते हैं। इसको नाम डालने के बाद आप इसको फिर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन दे रखे हैं आप उसको भरेंगे। मैंने नाम डाल दिया अशोक वर्मा, ठीक है। अब उसके अशोक वर्मा के बाद हम उसको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफॉल्ट कोड आप उसको दे सकते हैं, उसका कुछ नाम दे सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे कि ये क्या है, बिन विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, अगर उसके साथ आपको एसोसिएट करना है, ईमेल आईडी है, मोबाइल फ़ोन नंबर है, मोबाइल डिवाइस आईडी है, ये सब जो भी आपको डालनी है आप उसमें डिटेल उसके फिल कर दें। उसके बाद फैक्स है एंड देन ब्रांच है, आप उसको असाइन करेंगे किस ब्रांच में वो काम करें। आप यहाँ पे चेकआउट कर देंगे, जितने ब्रांच होंगे आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसको ओके करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट का ये यूजर है आप उसको असाइन कर देंगे। जैसे मैंने अभी असाइन कर रखा है फाइनेंस, आज पे नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट बने हुए। अगर न्यू डिपार्टमेंट है तो डिफाइन न्यू पे जाके आप न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट करें। उसके बाद आपको पासवर्ड डिफाइन करनी है, जो यूज़र है उसकी पासवर्ड डिफाइन करनी है। दो तरह के पासवर्ड होते हैं, हाई सिक्योरिटी एंड लो सिक्योरिटी। अगर आपका पासवर्ड लो सिक्योरिटी है तो 4 डिजिट का पासवर्ड होगा, कुछ भी आप डाल देंगे, ABCD कुछ भी आप डाल देंगे ले लेगा। अगर हाई सिक्योरिटी आपके पासवर्ड है तो उस केस में आपको मिनिमम 8 करेक्टर के पासवर्ड डालने हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे और उसको अपडेट कर देंगे, यूज़र की अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे है कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अगर आप इसको ओपन करें चेकअप करने का भी एक्सपायर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, जैसे यूजर लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे लॉक्ड ऑप्शन है, अगर यूजर की आईडी लॉक हो जाती है तो यहाँ पे चेकआउट हो जाएगा, आप सुपर यूजर से इसको अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद है इग्नोर ब्रांच असाइन इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट, यदि आपको ब्रांच असाइनमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट में चाहिए तो आप इसको हटा दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो इसको इग्नोर करें। इनेबल सेटिंग इंटीग्रेशन पैकेज, अगर आप चाहते हैं कि यूजर जब ऑन करे तो इनेबल हो काम कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप के सर्विसेज ऑप्शन है, जिसको आपको अगर रिक्वायर है आप उस पर चेकआउट करके अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि परफॉर्म डेटा चेक, डेटा चेक अगर परफॉर्म करेगा जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये टाइम कंज्यूम करेगा। ओपन एक्सचेंज रेट टेबल, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका एक्सचेंज रेट टेबल ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले रेकरिंग पोस्टिंग ऑन द ईच स्टेशन, यदि रेकरिंग कोई पोस्टिंग है तो वो डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले रेकरिंग ट्रांजेक्शन ऑन द एग्जीक्यूशन, यदि आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो रेकरिंग ट्रांजेक्शन शो करेगा। सेंड अलर्ट फॉर द एक्टिविटी शेड्यूल फॉर द टुडे, आज का डेट में कोई शेड्यूल है तो वो आपको एक्टिविटी का डिटेल्स देगा, अलर्ट देगा, पॉपअप मैसेज देगा। डिस्प्ले इनबॉक्स में द न्यू मैसेज आए, न्यू मैसेज आएगा तो यहाँ पे आपको रेड कलर का आपको मैसेज आएगा। ओपन विंडो फॉर क्रेडिट वाउचर रिफरेंस अपडेट, अगर कुछ अपडेट है तो वो नया विंडो ओपन करके देगा। डिस्प्ले वर्क लिस्ट फॉर न्यू टास्क अराइव, अगर नया कोई टास्क आएगा तो डिस्प्ले करेगा। अपडेट मैसेज, मैसेज कितने देर में अपडेट होना चाहिए, 5 मिनट। उसके बाद आपका स्क्रीन लॉक कितने देर में, तो यहाँ पे 30 मिनट्स मैंने कर रखा, आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। ओपन पोस्ट डेटेड क्रेडिट वाउचर आप यहाँ पे कर सकते हैं, यस नो ऑलवेज जो भी आपका ऑप्शन है वो कर सकते हो। सो लाइसेंस इंफॉर्मेशन एट स्टार्टअप, अगर आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर चाहिए तो आप कर सकते हो। यूज नंबर की टू इंटर द की टैग, यहाँ पे आपको अगर वहाँ माउस ओनली यूज करना है तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल डॉक्यूमेंट्स ऑपरेशन बाय माउस ओनली, आप इसको क्लिक कर देंगे तो इंटर बटन नहीं काम करेगा, आपको माउस से ही क्लिक करेंगे एयर बटन पे तो वो काम करेगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप इसमें सर्विसेज में आके कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में, अगर आपको कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले सेट करना है या इसकी थीम को चेंज करना है तो आप यहाँ से
उसके थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपका फंड साइज चेंज कर सकते हैं, टीवी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड, यदि स्क्रीन के बैकग्राउंड में आप कुछ लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। ये है हमारा लाइसेंस सेक्शन, इसमें आप आके यूजर को क्या लाइसेंस देना है क्या नहीं है आप वहाँ पर देखेंगे। जैसा कि हमारे यह सेट B1 में तीन तरह के लाइसेंस होते हैं, चार तरह के, सुपर यूजर होता है, लिमिटेड लॉजिस्टिक होता है, लिमिटेड फाइनेंशियल होता है एंड CRA। तो जो सुपर यूजर होता है वो हर वो काम कर सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, उसकी कंप्लीट राइट होती है। जो आपका लिमिटेड लॉजिस्टिक होता है वो आपका सेल्स का पार्ट से लेके आपका इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन और उसके बाद आपका प्रोडक्शन एवरीथिंग वो कर सकता है। लेकिन फाइनेंशियल यूजर क्या कर सकता है, फाइनेंशियल यूजर फाइनेंस से रिगार्डिंग जितने भी काम वो कर सकता है, उसके बाद आपका परचेस से रिगार्डिंग वो काम करेगा, उसके सारे के डिफाइंड है। CRA में आपका सेल्स से रिगार्डिंग जो भी है उसे काम वो करेगा। यहाँ पे जितने भी यूजर आप बनाएंगे वो सारे यूजर यहाँ पे आपको दिखेंगे, उसको किसको क्या लाइसेंस आपने साइन किया वो दिखाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जिस जो लाइसेंस लगा होगा वो लाइसेंस पर चेकआउट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइसेंस डिटेल आप देख सकते हैं किसी भी यूजर के लिए क्या लाइसेंस। ये हमारे सैप B1 का लाइसेंस है जो हमने इसमें लगा रखा है, ठीक है। ये लाइसेंस होता है, आपको अगर लाइसेंस इंपोर्ट करना है सब के लिए तो यहाँ से ये इस ऑप्शन से आके आप लाइसेंस इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे दिखाएगा कौन सा वर्जन है, जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या है, ये सारे डिटेल दिखाएंगे। यहाँ पे साइन में किस यूजर को क्या लाइसेंस दे रखा है, इस सिस्टम में एक ही लाइसेंस का देखिए, प्रोफेशनल लाइसेंस मैनेजर को हमने यहाँ पे चेकआउट हो रखा है, टोटल असाइनमेंट कितना है बनना है, टोटल फ्री कितना है जीरो, ये सारी डिटेल आपको कितने लाइसेंस इस सिस्टम में अवेलेबल है और कितने आपने असाइन कर रखे हैं, कितने आपके पास फ्री है, एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि किस यूजर को क्या राइट्स हमने दे रखे हैं, तो जनरल ऑथराइजेशन होता है उसमें। जिस यूजर को आपको जो राइट देना है यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे, उस पर्टिकुलर यूजर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सपोज दैट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हमें कुछ देना है तो उस सेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे नो ऑथोराइजेशन है, आप इसको ऑथोराइजेशन कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर यूजर के क्या लाइसेंस है और उस लाइसेंस पे वो क्या काम कर सकता है, उसी के बेस पे ये लाइसेंस काम करेगा। अगर सपोज दैट आपने फाइनेंशियल यूजर को लॉजिस्टिक वाला राइट दे देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लाइसेंस पर राइट ही नहीं है। तो उस वजह से आपको वो देखनी है कि उसके पास क्या राइट्स हैं और उसे हमें क्या परमिशन देनी है नहीं देनी है। तो जब भी हम यूजर राइट्स देते हैं तो क्लाइंट के साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि किस यूजर को क्या राइट्स देने हैं और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे राइट्स उसको देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में आप जाके जितने भी मॉड्यूल्स हैं आप उस सेक्शन में जाइए और उस पर्टिकुलर यूजर को क्या राइट्स देना। सपोज दैट आपके पास यूजर है जो सेल्स वगैरह एक बनाता है, दूसरा आपका डिलीवरी करता है, तीसरा आपका एयर इंबैस बनाता है। तो जो यूजर आपका सेल्स ऑर्डर बनाता है उसको सेल्स ऑर्डर का राइट दीजिए, फूड ऑथोराइजेशन दे दीजिए, बाकी को उसको मत दीजिए, डिलीवरी एयर इनवॉइस का मत दीजिए। यदि कोई यूजर आपका डिलीवरी बनाता है और वो एयर इनवॉइस नहीं बनाता सेल्स ऑर्डर, तो उसको सिर्फ एयर इनवॉइस डिलीवरी का राइट दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूजर को आप बाउंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन में ही वो आपका यूज कर पाएगा, डिफरेंट सेक्शन में जाके वो कोई भी शेरखानी नहीं कर पाएगा। तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूजर को बाउंडेड कर देते हैं पार्टिकुलर थिंग्स के लिए कि ही कैन डू अ सिंगल वर्क ऑन अ सिंगल स्क्रीन। बिकॉज इन सैट इवन ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर नंबर्स ऑफ स्क्रीन एंड एवरी वन कैन ओपन द स्क्रीन, बट द राइट्स टू ओनली यू कैन गिव द पर्टिकुलर पर्सन दोज पर्सन डूइंग द सेम वर्क इन ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रीन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूजर को पर्टिकुलर थिंग्स का आप राइट दे सकते हैं, किसी यूजर को किसी को आप काम कर सकते हैं। यदि उसको सारे राइट्स देने हैं, अगर प्रोफेशनल यूजर है तो ऑटोमेटिकली उसको फुल राइट्स होंगे, सभी सेक्शन में उसको राइट्स होंगे और वो सारा काम कर सकता है। तो ये होता है आपका लाइसेंसिंग। इस तरह से आपने इस सेक्शन में देखा यूजर कैसे बनाते हैं, लाइसेंस कैसे असाइन करते हैं और आपका जनरल ऑथराइजेशन क्या।
आज के सेशन के लिए इतना ही। ओके थैंक्स। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर इस चैनल पे वीडियो आएंगे और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब में हमारी ट्रेनिंग चलती है, आप अपने इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपकी कोई कंपनी है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने आपको सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी आर अ रेप्टेड कंपनी in India and doing numbers of work, numbers of implementation day to day. So you can contact me anytime, anywhere. Okay, bye. Thank you.